Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन भारत ने पोखरण में किया था परमाणु परीक्षण। दुनिया भी थी हैरान। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और छात्रों को करियर के विकल्प के रूप में विज्ञान को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 11 मई 1998 को शक्ति पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। साल 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी ब्लॉक की सरकार ने आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में ये मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भारत पर नजर रख रही थी और उसने निगरानी पर नजर रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। हालांकि भारत ने CIA और अपने सैटेलाइट को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण कर दिया। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े वैज्ञानिक कुछ इस कदर जाहिर बरत रहे थे कि वे एक दूसरे से भी कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को छद नाम से बुलाते थे। ये लाचार नाम इतना हो गए थे कि कभी कभी तो साथी वैज्ञानिक एक दूसरे का नाम भी भूल जाते थे। उस दिन सभी को सेना की वर्दी में पेशी स्थल पर भेजा गया ताकि खुफिया एजेंसी को ये लगे कि सेना का जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में मौजूद थे। बाद में इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसकी पूरी टीम सेना की सूचना में दिखी। 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप देते हुए ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। परीक्षण के लिए पोखरण को ही चुना गया था क्योंकि यहाँ मानव बैठना बहुत दूर था। आपको बता दें कि जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण एक प्रमुख कस्बा है। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोदे और इनमें से परमाणु बम रखे गए। धमाके से दाग का गुबार उठा और विस्फोट की जगह एक बड़ा गड्ढा बन गया। इससे कुछ दूरी पर 20 वैज्ञानिकों के समूह की घटनाओं पर नजर रखी जा रही थी। पोखरण परीक्षण रेंज पर 5 परमाणु बम के बाहरी हिस्से से भारत ऐसी परमाणु शक्ति प्राप्त करने वाला देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 3:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में अंडरग्राउंड मैक्वकर का परीक्षण किया। कलाम खुद बम वाली जगह पर गए थे। कलाम ने टेस्ट के सफल होने की घोषणा की थी। कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी अधिक था, लेकिन इमारतों की तस्वीरें बनाई गई थी कि वह आगे आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही भारत एक परमाणु बम बना सका। भारत के इन परमाणुओं की सफलता से दुनिया भर में भारत की धाम धम गई। सेंटर में ब्लॉक की बने सरकार सिर्फ 3 महीने हुए थे और हर कोई इस बात से हैरान था कि इतने जल्दी ब्लॉक ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। हालांकि ब्लॉगर ने ये भी कहा था कि हम पहले एक्सपोजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, भारत उनके खिलाफ इन शर्तों का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज।